जहां एक और प्रदेश सरकार हिमाचल में गौ सेवा आयोग का गठन कर आवारा पशुओं से लोगों को निजात दिलाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर इन आवारा पशुओं द्वारा फसलों के साथ साथ अब लोगों को भी अपना शिकार बनाया जाना शुरू हो गया है। ताजा मामले में जिला मंडी के उपमंडल बल के लूणा पानी में इन आवारा पशुओं के द्वारा एक कार को अपना शिकार बनाया गया है। इस कारण कार को भारी नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार एक स्थानीय व्यापारी ऋषि शर्मा अपनी कार NH21 चंडीगढ़ मनाली पर नागचला से लूणा पनी की तरफ जा रहा था। इसी दौरान अचानक कार के आगे कुछ आवारा पशु आ गए और उन्होंने गाड़ी को टक्कर मार दी। इससे गाड़ी को भारी नुकसान हुआ है। जानकारी देते हुए पीड़ित व्यक्ति ऋषि शर्मा ने बताया कि वह बुधवार को नेशनल हाईवे 21 पर जा रहे थे। इसी दौरान जैसे ही पीड़ित लूणा पानी के समीप कुछ आवारा पशु ने उनकी कार को टक्कर मार दी। इससे गाड़ी को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कई बार आवारा पशु आम जनता को घायल कर गाड़ियों में तोड़ फोड़ कर नुकसान कर चुके हैं और इन आवारा पशुओं की वजह से सड़कों पर जाम लगने के साथ साथ हादसे होने का खतरा भी बढ़ गया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं के लिए कोई ठिकाना ढूंढा जाए जिससे आम जनता को राहत मिले। मैं नागचला से लूणा पानी की तरफ आ रहा था तो अचानक मेरी गाड़ी के आगे 7-8 आवारा पशु जो रोड पे चल घूमते हैं वो अचानक से गाड़ी के आगे आए और गाड़ी के साथ टकरा गए, जिसके कारण जो है मेरी गाड़ी में भी काफ़ी नुकसान हो गया है, जिससे कि गाड़ी की हेडलाइट, बम्पर, साइड मिरर और खिड़की में डैमेज हो गया है। तो हम प्रशासन से और सरकार से यही अपील करते हैं कि इन आवारा पशुओं का जो है जल्द से जल्द निपटारा किया जाए, क्योंकि यहाँ पे नीर चौक में सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा धुंध होती है और हर साल यहाँ पे गाड़ियाँ जो है आवारा पशुओं के साथ टकराती है। इसमें तो कई लोगों की इसमें जो है जान भी चलेगी है। तो हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इन पशुओं का जो है निपटारा किया जाए। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।